हेलो वंस अगेन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक मरतबा फिर एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आपके साथ। आज मैं बना रही हूँ मसाला मैकरोनी। तो इसके लिए मैंने ले लिया है चिकन बोनलेस और उसको थोड़े से ऑयल में डाल के इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे, इतना कि जो चिकन है उसका पानी जो है वो रिलीज़ हो जाए। आप चाहें तो इस रेसिपी को कीमे के साथ भी बना सकते हैं, मटन का कीमा या बीफ का कीमा, आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो जैसे ही चिकन का पानी निकल, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो इसको हमने थोड़ी सी फ्लेम हल्की करके स्टीम पे पका लेना है ताकि चिकन जो है वो अच्छे से अंदर तक गल जाए। जैसे ही चिकन का पानी ड्राई हो जाता है तो इसको मैं उसी ऑयल में बस थोड़ा सा आपने लाइट गोल्डन सा करके निकाल लेना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर आपने नहीं लाना। तो यहाँ पर मैं चिकन जो है वो उसको निकाल लूँगी और इसी रिमेनिंग ऑयल के अंदर मैं मिक्स वेजिटेबल शामिल कर दूँगी। मैं यहाँ पर जो है वो पैकेट की मिक्स वेजिटेबल्स ले रही हूँ और इसमें मैंने थोड़ा सा और ऑयल डाल दिया है, बिल्कुल जस्ट ड्रॉप की तरह। और अब जो है आपकी चॉइस है कि आप इसमें चाहें तो अपनी पसंद की जो वेजिटेबल्स आपको पसंद है आप वो लेके हल्का सा इसको फ्राई करके निकाल लेंगे। अब मैंने मैक्रोनी जो है वो बॉयल कर ली है, एक पैन में जो है वो पानी उबालने के लिए रख दिया था। जैसे ही पानी उबल गया उसमें मैंने मैक्रोनी डाल दी, थोड़ा सा जो है वो नमक डाल दिया और थोड़ा सा ऑयल डाल देना चाहिए ताकि मैक्रोनी जो है वो आपकी स्टिक ना हो टुगेदर। इसको ठंडे पानी में हमने निकाल लिया और थोड़ा सा ऑयल डालकर हम एक पैन में रख लेंगे। यहाँ पर मैं वेजिटेबल्स कट कर लेती हूँ। इसके मैंने ले लिया है एक प्याज और एक टमाटर, उनको मैंने कर लिया है बारीक चॉप। उसके बाद मैंने ले लिया है पैन और उसको मैंने कर लिया थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, उसमें मैं हल्के से ब्राउन कर लूँगी ये प्याज। और जैसे ही प्याज जो है वो थोड़े से गोल्डन हो जाएंगे मैं इसमें शामिल कर दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही जैसे भुन गया तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी टमाटर। टमाटर को आपने अच्छे से भून लेना है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही वो सॉफ्ट हो जाए उसमें मसाले डाल देने, जिसमें है नमक, लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है, उसके साथ थोड़ी सी आपने डाल देनी है काली मिर्च, और काली मिर्च के साथ ही आप डाल देंगे इसमें सोया सॉस। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके आपने अच्छा सा एक मसाला रेडी कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर जो है वो बारीक कटी हुई ग्रीन चिलीज़ भी डाल सकते हैं, तो ये अप टू यू कि आप इसको कितना स्पाइसी बनाना चाहते हैं। तो जैसे ही अच्छे से मसाला रेडी हो जाएगा मैं इसमें शामिल कर दूँगी थोड़ा सा केचप और इसको एक मरतबा फिर भून लूँगी ताकि केचप जो है वो मसाले के साथ अच्छा सा मिक्स हो जाए और कच्चापन ना रहे। तो ये मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे हमने जो चिकन फ्राई की थी वो और मिक्स वेजिटेबल, और उसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स ताकि मसाला और चिकन और वेजिटेबल जो हैं वो अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं। जैसे ये मिक्स हो गए तो इसमें हम शामिल कर देंगे मैक्रोनी, उसको बहुत अच्छे से मिक्स करके ये हमारी मसाला मैक्रोनी बिल्कुल डन हो गई है और बहुत ही मज़ेदार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऊपर से मैं डाल दूँगी हरा धनिया और ये हमारा देसी पास्ता बिल्कुल तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, अपने अफ्तार में इसको ज़रूर शामिल कीजिएगा, आपको ये चेंज बहुत अच्छा लगेगा। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करते जाइएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, टेक केयर।